पुलिस फ्लैग डे में शहीदों के लिए हुआ सम्मान कार्यक्रम। रणधीर वर्मा चौक में समाधान टीम के पुलिस कर्मियों ने शहीदों को याद कर उनके सम्मान में कार्यक्रम किया। इसमें समाधान टीम ने आकर्षक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति भी दी। पुलिस फ्लैग डे जो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, यह बहुत ही गौरवशाली दिन के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पुलिस मुख्यालय एवं कार्यालय, थानों और पुलिस केंद्रों पर पुलिस ध्वज फहराया गया तथा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस शहीद सम्मान कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। शहीदों के सम्मान कार्यक्रम में धनबाद एसपी आर कुमार ने मीडिया को बताया कि पूरे भारत में पुलिस फ्लैग डे मनाया जा रहा है और अपने कर्तव्य के दौरान शहीद हुए पुलिस कर्मियों को सलाम करते हैं। देश के लिए उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। और एसपी ने कहा कि पब्लिक और पुलिस के बीच एक दोस्ताना माहौल बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि पब्लिक और पुलिस के बीच नज़दीकियां बनी रहें और समाज और ज़्यादा सशक्त बन सके। समाधान टीम के चंदन कुमार ने बताया कि पुलिस कर्मियों की जिंदगी बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। हर पूजा त्यौहार विकट परिस्थिति में पुलिस हमारे लिए ड्यूटी करती है। उनके साथ उनका परिवार भी उनका इंतज़ार करके एक तरीके से एक ड्यूटी ही करता है। कितने पुलिसकर्मी हमारे लिए शहीद हो जाते हैं। आम जनों से निवेदन है कि पुलिस कर्मियों को इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखें एवं आदर दें तथा देश के लिए शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दें। चंदन कुमार ने इस मौके पर दौलत अताना करना गीत गाकर शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। आम लोगों को भी याद रहना चाहिए कि हमारे लिए पुलिसकर्मी किस प्रकार से अपनी सारी परेशानियों को देखते हुए जान भी वक्त पड़ने पर जान भी देते हैं। पुलिस मकसद और ऑब्जेक्टिव यही है पुलिस और पब्लिक के बीच रातों कम्युनिटी पुलिसिंग आस्पेक्ट की मतलब पुलिस को क्या क्या साकर कर सकते हैं और पब्लिक को पास पहुँचाने में हम लोग के सभी हम आते समय दे रहे हैं लोग हमारा संदेश है तब से शहीद दिवस मनाया जाता है। पुलिस की जिंदगी बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये चुनौतीपूर्ण कैसी जिंदगी होती है, उनके साथ उनका पूरा परिवार भी हमारे यहाँ जब पूजा त्यौहार होता है तो हमारे रक्षा मंत्री रहते हैं और उनका परिवार भी होता है। तो हम लोग आम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पुलिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रोल हमारे लिए बहुत सम्मान पूर्वक है। हम उनका इज्जत करें, आदर करें और उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दें। मैं चंद लाइनें कुमार विश्वास साहब का लाइन है, उनके तहत उन पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि दूंगा। दौलत न अता कर ना मोला, शौहरत न अता कर ना मोला, बस इतना अता कर ना मोला, जन्नत न अता कर ना मोला। संवेद पतंग की राह पे जब कुर्बान पतंगा हो, तो पे गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।